हेलो एवरीवन। देखिए, अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम, न्यूक्लियर डेंसिटी। देखो, इसमें आप सभी को पता है जो डेंसिटी का मतलब क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो डेंसिटी इज़ डिफाइंड एज द मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो हमें पता है डेंसिटी को हम रो से लिखते हैं, और इसका जो फॉर्मूला बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, मास पर यूनिट में वॉल्यूम। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ जरा जल्दी से। अब रो देखो, इसमें यहाँ पर हम लिखेंगे रो, मास कितना हो जाएगा। देखो, इसमें मास हम लिखेंगे एम इंटू में ए। अब देखो, ये एम इंटू में ए क्यों लिखा, देखो जो यहाँ पर एम है ये क्या है आपके पास, एवरेज मास है, एवरेज मास ऑफ न्यूक्लियंस। न्यूक्लियंस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों आ जाते हैं, ठीक है। तो उनमें ऑब्वियस सी बात है, प्रोटॉन का अलग मास होगा, न्यूट्रॉन का मास अलग होगा, लेकिन हमने क्या किया है, उसमें एवरेज मास देख लिया कि वो एम है, ठीक है। अब टोटल मास क्या होगा न्यूक्लियस का, जितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होंगे और जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट है, दैट इज एटॉमिक मास। एटॉमिक मास में यही आता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो वो मल्टीप्लाई कर देंगे ना हम। जैसे ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है, न्यूक्लियॉन में क्या आ गया हमारे पास, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। उसको मल्टीप्लाई क्या कर देंगे हम, एम से कर देंगे, दैट इज द एवरेज मास ऑफ द न्यूक्लियॉन। समझ रहे हो बात या नहीं, एवरेज मास लिया ये हमने एम, ठीक है ना। जैसे मान लो एवरेज मास हमने, एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, जैसे एवरेज मास हमने ले लिया कि 10 है, ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ जो है हमारे पास पार्टिकल्स वो है कितने, मान लो 100। तो टोटल मास कितना हो जाएगा, एक का कितना है 10, जो कि हमने एवरेज मास में लिया है, एक का 10 है, और 100 का कितना होगा, 1000 हो जाएगा टोटल। तो वही चीज़ हमने यहाँ पर करी है कि एम हमने एवरेज मास ले लिया और उसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से, दैट इज़ द एटॉमिक मास। एटॉमिक मास ही होता है हमारे पास, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो इसलिए हमने ये मास, टोटल मास कितना हो जाएगा न्यूक्लियस का, एम इंटू में ए हो जाएगा, ठीक है। और वॉल्यूम आपको पता ही है, ये एक स्फेरिकल शेप में होता है न्यूक्लियस, तो फॉर्मूला बनेगा इसका 4/3 πr³, ये वॉल्यूम हो गया, ठीक है। अब आपको पता है इस r की वैल्यू, अभी हमने पिछले टॉपिक में किया था साइज ऑफ न्यूक्लियस में, वो कितना था बताओ जरा, r इक्वल टू में कितना आया था हमारे पास, r0 एंड a की पावर 1/3 आया था, ये हमें पता है, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं। बट r की वैल्यू ये होती है, जिसमें r0 क्या होता है हमारे पास, इंपीरिकल कॉन्स्टेंट होता है, ठीक है। उसको यहाँ पर पुट करते हैं हम, देखो जरा, तो रो की वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगी, m इंटू में a अपॉन में 4/3 πr, और r की वैल्यू ये है, अब हमारे पास क्या है, ये r0 a की पावर 1/3, और यहाँ r का क्यूब था तो इसका भी क्यूब करेंगे, तो यहाँ पर भी इस पूरे का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, समझ रहे हो। अब देखो, m इंटू ए ऊपर एज इट इज, अब इसको लिखते हैं 4/3 πr, r0 का क्यूब कितना हो जाएगा, r0 क्यूब हो जाएगा, और a 1/3 है, देखो ये a 1/3 और इसका क्यूब है, तो ये 3 से 3 कटेगा, सिंपल क्या रह जाएगा यहाँ पर, a रह जाएगा, दैट इज द एटॉमिक मास। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ, और ये एटॉमिक मास ऊपर वाले एटॉमिक मास से कैंसिल होगा, ठीक है। तो बच क्या गया है यहाँ पर, m अपॉन में 4/3 πr³। क्या इतनी बात समझ में आई है या नहीं, ठीक है। अब इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो देखो क्या होगा, इसमें जो हमारे पास न्यूक्लियर डेंसिटी आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, देखो ये 3 नीचे है, ये ऊपर चला जाएगा, ये तो पता है आपको कैसे करते हैं हम, ये 3m हो जाएगा, और ये आ गया नीचे 4πr³, और ये हमारे पास निकल गई न्यूक्लियर डेंसिटी। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ। अब इसमें एक चीज़ नोट करने वाली है कि न्यूक्लियर डेंसिटी के फॉर्मूले में कहीं पर भी ए नहीं आया, मतलब एटॉमिक मास नहीं आया, मतलब न्यूक्लियर डेंसिटी जो है वो डिपेंड ही नहीं करती एटॉमिक मास पर। ये चीज़ यहाँ से क्लियर हो रही है या नहीं, तो न्यूक्लियर डेंसिटी के बारे में याद रखना है, कई बार क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये क्या है, डिपेंड ही नहीं करती मास नंबर, या फिर हम जिसको बोलते हैं एटॉमिक मास, क्लियर, दैट इज़ ए, उस पर डिपेंड नहीं करती, कोई फ़र्क नहीं पड़ता एटॉमिक मास ज़्यादा है या कम है, उसकी न्यूक्लियर डेंसिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखनी है यहाँ से, क्लियर है। इस चीज़ को मैं यहाँ लिख भी देता हूँ जरा, तो ये बात मैंने यहाँ पर लिख भी दी है, फ्रॉम हियर वी सी दैट डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ एटॉमिक मास, क्लियर है ये टॉपिक बताओ, सिंपल सही था, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, इसके फॉर्मूले भी, ठीक है, कर लोगे ये, ओके, थैंक यू।